नमस्कार, आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। आपको बता रहे कि रावगढ़ में जब बागेश्वर धाम के पीठेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे तो वहां की जनता उमड़ पड़ी और जय जय श्री राम के नारे के साथ उनका भव्य स्वागत किया। यह एक ऐतिहासिक दिन रावगढ़ का है जब यहां पर पूरा रावगढ़ नगर राममय हो गया और यहां की जनता ने बागेश्वर धाम का बहुत शानदार तरीके से दर्शन किया, आशीर्वाद लिया, साथ ही पूरा शहर आपको तरह राममय नजर आया। यहाँ के पूर्व मंत्री एवं विधायक जयवर्धन सिंह जब पीठेश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी को रावगढ़ लेकर पहुंचे तो यहाँ की जनता उनके भव्य स्वागत के लिए उमड़ पड़ी। आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जनता द्वारा भव्य स्वागत लोगों ने किया है और हाईवे से गुजरते हुए रावगढ़ क्षेत्र में जब आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जनता उमड़ चुकी है और बागेश्वर महाराज का फूल बरसा कर भव्य स्वागत कर रही है। और ये एक ऐतिहासिक दिन अब रावगढ़ में बन चुका है क्योंकि पूरा रावगढ़ राममय हो गया और ये पूरा श्रेय जयवर्धन सिंह जी को जाता है यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने इस पूरे रावगढ़ को आज ऐतिहासिक दिन बना दिया है और बागेश्वर महाराज ने यहाँ पहुँचकर इस रावगढ़ को भी राममय कर दिया, जो रावगढ़ राममय से गूंज उठा और जय जय श्री राम के नारों के साथ यहाँ पर पूरा रावगढ़ राममय नजर आया। आप देख रहे हैं किस तरह से जनता उनका स्वागत कर रही है और वो भी बागेश्वर महाराज भी यहाँ पर हाथ उठा के सभी जनता का अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं। ऐसा दिन गुना में देखने को मिलना था लेकिन यहाँ के गुना के लोग वंचित हो गए रह गए, जबकि कई महीनों से गुना की जनता इस तरह का स्वागत करने के लिए आतुर नजर आ रही थी।